हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग बनाएंगे ब्रेड पनीर और आलू से एक नया नाश्ता। तो इसके लिए पहले हम लोग ये बॉयल आलू है, इसको हम लोग मैश करके ले लेंगे। सारे आलू अच्छे से मैश करके ले लेंगे। तो देखिए, आलू हमने मैश कर लिया है। अभी इस पर हम लोग एक तड़का लगाएंगे। तो चलिए तड़के की तैयारी करते हैं। तो देखिए, एक पैन में हमने तेल लिया है और ये राई का तेल है। आप जो भी तेल खाते हैं उसको यूज कर सकते हैं। और ये अच्छे से गर्म हो गया है, एकदम अच्छे से इसको गर्म कर लेंगे। अब इसमें हम लोग राई का तड़का देंगे। राई तड़क जाएगी तो थोड़ा सा जीरा डाल देंगे और जीरा ब्राउन हो जाएगा। तो इसमें हम लोग ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची कूट के रखा है, इसको डाल देंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। घर के बेसिक सामानों से बन जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है, तो एक बार बनाइए ज़रूर। तो देखिए, लहसुन भी हमारा अच्छे से पक गया है। इसमें हम लोग कड़ी पत्ता डाल देंगे बारीक काट के। बस थोड़ा सा हल्दी और लाल मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची भी डाल के रखा है तो तीखा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस गैस का फ्लेम बंद करेंगे और ये तड़का हम लोग आलू में अपने डाल देंगे। तो देखिए, अब इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हम लोग ने अभी तक आलू में नहीं डाला था। थोड़ा डालेंगे, थोड़ा हम लोग बेसन में भी नमक मिलाएंगे, इसलिए इसमें थोड़ा ही नमक डालेंगे। बस इसको अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करके ले लेंगे। तो देखिए, आलू मैश करके ले लिया हमने। अब हम बेसन लेंगे और इसमें थोड़ा सा ओवा डालेंगे और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्ची और हल्का सा नमक, क्योंकि नमक आलू में भी है तो नमक हिसाब से ही डालेंगे। और इसको एक घोल बना के तैयार कर लेंगे। बस बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, मीडियम सा घोल बना के तैयार कर लेंगे। और इसमें ये जो हम लोगों ने लहसुन कूट के रखा था, ये थोड़ा बचा हुआ है, ये भी डाल देंगे। बस इसको अच्छे से घोल लेंगे। देखिए, बेसन का घोल भी तैयार हो गया है और उसको भी हमने ढक के एक साइड में रख दिया है। अभी ये ब्रेड है, अब ब्रेड का जो किनारा है इसको हम लोग ऐसे काट के निकाल लेंगे, ऐसे चारों तरफ से इसको काट के। इसे चारों तरफ से काट के निकालेंगे और उसके बाद इसके चार टुकड़े करेंगे। देखिए ऐसे, और फिर ऐसे करके, बस ऐसे चार टुकड़े करके हम लोग ब्रेड के ले लेंगे। ऐसे ही सारी ब्रेड काट के हम लोग ले लेंगे। तो देखिए, ब्रेड सारे हम लोगों ने काट के ले लिए हैं। ये पनीर के टुकड़े हैं, इसको भी ऐसा पतला और इतना छोटा छोटा ब्रेड के साइज का ही काट के ले लिया है। अब इसमें हम लोग थोड़ी सी लाल मिर्ची डालेंगे, हल्की सी, और थोड़ा सा हॉप्स डालेंगे, हल्का सा। बस इसको अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, एक ब्रेड लेंगे, उसमें एक पनीर का टुकड़ा रखेंगे और ऊपर से एक ब्रेड रखेंगे। अब इसी में हम लोग एक ऐसे स्टिक होगी आपके घर में, इसको ऐसे करके रख देंगे, ऐसे, बराबर। अब इसको हम लोग ऐसे बीच में लेके और चारों तरफ से इसमें अच्छे से आलू लगा के लपेट लेंगे, चारों तरफ से अच्छे से। जो हम लोग ने आलू का मसाला तैयार किया है उसको लगा के ले लेंगे। तो देखिए, ऐसे ही इसमें हम लोग
लगा के ऐसे ही सारा तैयार करके ले लेंगे चारों तरफ, जिसमें अच्छे से आलू का जो मसाले वाला आलू उसको बना लेंगे। अगर आप स्टिक नहीं लगाना चाहते हैं तो नॉर्मल खाली ब्रेड लीजिए ऐसे करके दोनों, और उसके ऊपर आलू लगा लीजिए, स्टिक मत लगाइए तो जरूरी। इसको भी आप ऐसे ही दोनों तरफ से करके बना सकते हैं। बस ऐसे ही उसमें भी चारों तरफ से आलू लगा लेंगे और अच्छे से बना लेंगे। ऐसे ही चारों तरफ से लगा के तैयार करते जाएंगे। तो देखिए ये भी बनके तैयार है। अब ऐसे चाहें तो ऐसे बनाएं और ऐसे स्टिक वाला चाहें तो ये बनाएं, तो दोनों आप बना सकते हैं। बस ये थोड़ा बच्चों के लिए ज़्यादा अच्छा लगेगा, टेस्ट तो वही है। बस ऐसे ही सारा हम लोग तैयार करके ले लेंगे। तो देखिए सब हमने ऐसे भर के ले लिया है, दो स्टिक वाला और तीन चार प्लेन। तो चलिए अब इसको हम लोग तलते हैं। बेसन का घोल तैयार है, इसमें डिप करके इसको हम लोग तलेंगे। तो देखिए गैस पे कढ़ाई रखी हमने, उसमें तेल डाल दिया था और तेल गर्म हो गया है। तो चलिए अब हम लोग वड़ा छानेंगे। तो देखिए ये जो हमने स्टिक पे लगाया है इसको ऐसे इसमें डालेंगे और अच्छे से कवर करेंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा बेसन नहीं बनाना है, थोड़ा पतला ही रहे, नहीं तो फिर वो बेसन बेसन ही आता है। बस इसको ऐसे करके और हम लोग कढ़ाई में डालेंगे। तो देखिए बेसन में लगा के इसको हम लोग आराम से ऐसे कढ़ाई में डाल देंगे और ऐसे ही दूसरा वाला भी कर लेंगे। तो देखिए ये भी हम कढ़ाई में डाल देंगे और अभी इसको पलटेंगे नहीं, थोड़ा पकने देंगे फिर पलटेंगे। तो चलिए इसको पलटते हैं, ये आराम से पलट गया, इसको भी पलट के हम लोग ले लेंगे। बस दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन ब्राउन करके ले लेंगे। तो अगर चैनल पे नए हैं और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो प्लीज़ बेल बटन दबाना ना भूलिए। तो देखिए इसको ऐसे ही गोल्डन फ्राई हम लोग करके ले लेंगे। तो देखिए अच्छे से ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, बस इसको हम लोग अब निकाल लेंगे आराम से। और ये भी अच्छे से पक गया है, इसको भी निकाल लेंगे और जो साइड में गिरे हुए हैं इनको भी कढ़ाई से निकाल के फिर दूसरा वाला हम लोग तलेंगे। तो देखिए वो निकाल लिया है हमने, अब जो हमारा और था उसको भी हम लोग ऐसे ही डाल के तल लेंगे। बस ऐसे आराम से डाल के दोनों तरफ से गोल्डन करके, एक नया नाश्ता, बारिश हो रही है खूब झमझमाझम, तो बनाइए गर्मा गर्म और सभी के साथ एंजॉय कीजिए, अच्छा लगेगा। और घर के थोड़े से सामानों से बन जाता है, कोई बहुत ज़्यादा सामान नहीं लगता है लेकिन टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो एक बार बनाइए और कमेंट करके बताइए कि कैसा बना। बस ऐसे ही इसको भी हम लोग गोल्डन ब्राउन निकाल लेंगे। तो देखिए ये वाला भी हमारा अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है, बस इसको भी हम लोग ऐसे ही निकाल के ले लेंगे। तो बस ऐसे ही निकाल के सब ले लेंगे। तो देखिए गर्मा गर्म बन के तैयार है हमारा ब्रेड, पनीर, वड़ा, इसमें सब कुछ है। तो घर पे बनाइए एक बार, फटाफट बनता है, बहुत ज़्यादा सामान नहीं लगता है। और देखिए हम आपको इसको कट करके भी दिखाते हैं आराम से। तो ये देखिए अंदर पनीर, आलू, ब्रेड, सब चीज़ की स्टफिंग। तो ऐसे ही हम लोग इसको प्लेटिंग कर लेंगे। तो देखिए प्लेट हमारी तैयार है और हमारे पास कुछ ये ब्रेड और पनीर बच गए थे, आलू नहीं था, तो इसको भी हमने ऐसे ही बेसन में डाल के तल लिया है। तो देखिए ये भी बन गया है। तो ऐसे ही एक बार घर पे बनाइए ज़रूर और ट्राई कीजिए। बारिश का मौसम है, गर्मा गर्म बनाइए, अपने घर के सामानों में ही बन जाता है, मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बनाइए, टेस्ट कीजिए, कमेंट कीजिए कि कैसा लगा। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन ज़रूर दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसे ही अपना प्यार मेरे वीडियो को देते रहिए। थैंक यू।